साल 2022 में कई सितारे शादी कर चुके हैं और अपना घर बसा चुके हैं, पर कई सितारे इस साल भी शादी करने से रह गए हैं, पर वो अगले साल यानी कि साल 2023 में सिंगल नहीं रहेंगे। कुछ शुरुआत में तो कुछ साल के मिडल और कुछ साल के अंत तक शादी करके सेटल होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के ऐसे ही सितारों के बारे में बताएंगे, तो आइए जानते हैं एक एक करके। नंबर वन, इरा खान। इरा खान ने हाल ही में अपने बीएफ नुपुर सिखरे के साथ सगाई कर ली है और ये अब अगले साल उनके साथ शादी करके सेटल होने की पूरी तैयारी में है। नंबर टू, ऋतिक रोशन। ऋतिक ने कुछ महीने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया है, ताकि शादी से पहले दोनों साथ रहकर एक दूसरे को जान सके, क्योंकि इन्होंने भी साल 2023 के अंत तक शादी करने का फैसला ले लिया है। नंबर थ्री, अर्जुन कपूर। काफी लंबे समय से अर्जुन अपने से बड़ी एक्ट्रेस मलाइका अरोरा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और अब जब इन्होंने उन्हें जान लिया तो अब ये उनके साथ शादी कर घर बसाने वाले हैं अगले साल। नंबर फोर, हंसिका मोटवानी। हाल ही में आपको पता चला होगा कि हंसिका मोटवानी को उनके बॉयफ्रेंड सोहेल ने शादी के लिए प्रपोज किया है, जिसके जवाब में हाँ कहकर इन्होंने भी अपनी मंजूरी दे दी है और अभी उनके साथ साल 2023 की शुरुआत में ही शादी कर हमेशा के लिए उनकी हो जाएगी। फाइव, सिद्धार्थ मल्होत्रा। खबरें तो आ रही है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी लॉन्ग टाइम जीएफ कियारा आडवाणी के साथ शादी करने वाले हैं और इनकी शादी का मुहूर्त भी अगले साल 2023 में ही निकला है। नंबर सिक्स, सोनाक्षी सिन्हा। जहीर इकबाल है सोनाक्षी के बॉयफ्रेंड, जिनके साथ ही अब ये शादी करने वाली है और ये भी इन सभी सितारों की तरह साल 2023 के अंत तक शादी कर ही लेंगी। नंबर सेवन, अनन्या पांडे। जी हाँ, चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे भी शादी करेंगी अगले साल और इनके दूल्हे होंगे आदित्य रॉय कपूर, जो इनसे उम्र में बड़े हैं, पर फिर भी ये उनसे प्यार में पड़ गई हैं और अब शादी करने की प्लानिंग कर रही हैं। नंबर एट, रश्मिका मंदाना। सबकी नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना ने भी अपना दुल्हा ढूंढ लिया है। लाखों लोगों के दिल तोड़कर अब ये उनके साथ ही शादी करने वाली है अगले साल और तभी ये उनका खुलासा भी करेंगी कि इनके दूल्हे हैं कौन। तो दोस्तों, आपको इनमें से किसकी शादी का इंतजार है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी ही खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।